दोस्तों, ये है हिमालय का पाइलेक्स टैबलेट। आज के वीडियो में हम इसी पाइलेक्स टैबलेट के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी, जैसे पाइलेक्स टैबलेट में इंग्रेडिएंट क्या है, पाइलेक्स टैबलेट का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, पाइलेक्स टैबलेट कब और क्यों लिया जाता है, पाइलेक्स टैबलेट लेने के फ़ायदे क्या क्या है और पाइलेक्स टैबलेट लेने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, पाइलेक्स टैबलेट एक दवा है और इसे लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिंस। पाइलेक्स टैबलेट के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं पाइलेक्स टैबलेट में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। तो जैसा कि इसके पैक में मेंशन है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट के रूप में अमलाकी, विभीतकी, अरागवद, कंचनार, नागकेसर, इसके अलावा गुगलू, शिलाजीत और निम्बासीट। बात करते हैं सबसे पहले अमलाकी के बारे में। अमलाकी के बारे में जाने तो अमलाकी मतलब आंवला पाचन शक्ति सही रखने में मदद करता है, जो बवासीर के मरीज के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर हमें बवासीर तभी होता है जब हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि बवासीर होने पर डॉक्टर लैक्सेटिव दवा सजेस्ट करते हैं ताकि उनका पेट साफ हो सके और उनका स्टूल आसानी से बाहर आ सके। और आंवला शुरू से ही पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर को हील करने में भी मदद करता है, इन्फेक्शन के खतरे से भी बचाता है। और विटामिन सी होने की वजह से ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और ज़ख्म को जल्दी हील करने में भी मदद करता है, जो बवासीर के मरीज़ के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं विभीतकी के बारे में। विभीतकी के कई सारे फायदे होते हैं। विभीतकी एक एंटी इंफ्लेमेटरी गुण से भरपूर होता है, मतलब ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा विभीतकी जलन से भी राहत देता है। सालों से ये बवासीर के उपचार में इस्तेमाल किया जाने वाला दवा है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, विभीतकी डाइजेशन में भी मदद करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है, ये गट हेल्थ को प्रमोट करता है। पाचन गुणों से भरपूर होने के कारण विभीतकी आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और पेट और आंतों में भोजन को, फूड्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करती है। विभीतकी एक नेचुरल लेग्जेटिव है, जो पुरानी कब्ज को, बवासीर को या पेट में अगर गैस बन रही है, सूजन है पेट में या पेट फूल रहा है, तो ऐसी समस्याओं से राहत देने में मदद करता है विभीतकी। विभीतकी पेट के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है और पेट में मौजूद कीटाणु को भी मारने में मदद करता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अरागवद के बारे में। दोस्तों, अरागवद क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी को दूर करके खूनी और बादी दोनों तरह के पाइल्स से राहत देता है। अरागवद बहुत ही लंबे समय से इस्तेमाल किया जाने वाला, पाइल्स में इस्तेमाल किया जाने वाला औषधि है, जो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अरागवद फिस्टूला में भी असरदार होता है, अगर फिस्टूला हो रहा है या बादी बवासीर हो रहा है, तो ऐसी समस्याओं में भी अरागवद फायदेमंद हो सकता है। फिस्टूला को ठीक करने के लिए जाना माना ये दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, जिसका इंग्लिश में भी इसको कैसिया फिस्टूला कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं कंचनार के बारे में। कंचनार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है, पाचन क्रिया को बढ़ावा देता है और पाइल्स में ये बहुत ही राहत देने में मदद करता है। पाइल्स में अगर हमें सूजन दिखाई दे रहा है, पाइल्स मास बढ़ रहा है, तो ऐसी समस्याओं में पाइल्स मास को कम करने में मदद करता है ये कंचनार। कंचनार स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है और इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करने में मदद करता है। दोस्तों, कंचनार पेट की जलन से राहत देता है, पेट में एसिडिटी, गैस होने पर भी ये बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद जानते हैं नागकेसर के बारे में। नागकेसर खूनी बवासीर में होने वाली एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने में काफ़ी अच्छा औषधि है, ये बहते खून को रोकने के साथ साथ बवासीर को जल्दी ठीक करने में भी मददगार साबित हो सकता है।
दोस्तों नागकेसर पित्त दोष में असंतुलन के कारण जो ब्लीडिंग रिलेटेड जो समस्याएं होती है उसमें राहत देता है। नागकेसर खूनी बवासीर को तो ठीक करता ही है, साथ ही ये पित्त दोष को शांत करने में भी मददगार साबित हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार नागकेसर शरीर में मौजूद गर्मी को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे बवासीर में राहत मिलती है। बवासीर में गांठों को सिकुड़ने, गांठों में सूजन होने पर सूजन को कम करने में मदद करता है, दर्द को कम करने में मदद करता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लीडिंग को रोकने में भी मदद कर सकता है नागकेसर। दोस्तों इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट गुगुल के बारे में। दोस्तों गुगुल के बारे में जानें तो गुगुल विषाक्त और हानिकारक केमिकल को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। गुगुल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पाइल्स में होने वाली जलन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। दोस्तों गुगुल में हीलिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये फिस्टुला में भी फायदेमंद होता है और खूनी बवासीर में भी ये फायदेमंद हो सकता है। गुगुल कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है, कब्ज को ठीक करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखने में मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है और पुराने से पुराने कब्ज से राहत देने में मदद करता है। इसके अलावा गुगुल इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है, जो बीमारियों से बचाता है और इन्फेक्शन से हमें बचने में मदद करता है। दोस्तों इसके बाद जानते हैं पाइलेक्स टैबलेट का नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में है, जो पाइल्स में काफी असरदार हो सकता है। शिलाजीत बहुत ही इफेक्टिव होता है पाइल्स के लिए। दोस्तों शिलाजीत अल्सर के खतरे से बचाता है, गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करता है और पेट में बनने वाली गैस को रिलीज करने में मदद करता है। अगर पेट में किसी तरह का जलन है, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो रही है या खाना सही से नहीं पच रहा है तो ऐसी समस्याओं में राहत देता है ये शिलाजीत। शिलाजीत एक टॉनिक के रूप में काम करता है, जो आंतों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर से भोजन को पचाने और बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है। दोस्तों अगर हम पाइलेक्स टैबलेट के बारे में जाने, हिमालय पाइलेक्स टैबलेट के बारे में जाने, तो इसे बिना डॉक्टर की सलाह के भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। ये बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन माना जाता है, लेकिन इसे बवासीर के अलावा भी बहुत सारी समस्याओं में आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपके पेट में किसी तरह की समस्या है, खाना सही से नहीं पच रहा है, इनडाइजेशन जैसी समस्या है या आपका शरीर नहीं लग रहा है, आपको कमजोरी या थकावट महसूस हो रही है, आपके पेट में किसी तरह की समस्या है, पेट भारी लग रहा है, तो बहुत सारी पेट की समस्याओं से राहत देने में ये फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसे लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूरी है। पाइलेक्स टैबलेट बवासीर के इलाज में काफी अच्छी दवा है और असरदार मेडिसिन है। पाइलेक्स टैबलेट बवासीर की वजह से होने वाले बवासीर में जो सूजन है, बवासीर में अगर आपको दर्द हो रहा है या खून बह रहा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है या एनल एरिया में खुजली हो रहा है, पुरानी कब्ज है, तो ऐसी बहुत सारी परेशानियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। तो अब आइए बात करते हैं पाइलेक्स टैबलेट लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पाइलेक्स टैबलेट एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसे लेने से ऐसा कोई जाना माना इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इसे लेने से किसी तरह का साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था पाइलेक्स टैबलेट के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।